मिनट सुनो ना। हाँ। वो क्या है ना, राजवीर तुम सिर्फ मेरे हो। की बात है, आज ही आया है तू इस घर में, लेकिन आज ही वापस भी चला जाएगा इस जगत की वजह से क्या करें, क्योंकि आज ये जाने वाला है ना इस दुनिया से, तो तुम्हारे यहां होने का कोई फायदा नहीं है। जगत, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम मेरे बगैर बहुत ज्यादा ही जी रहे हो? मेरे ख्याल से अब तुम्हें जाना चाहिए। आखिरी सांस ले लो अपनी आज, है ना? तुम मुझे देख नहीं सकते, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे किसी अजनबी के सामने देखो। इस दुनिया से जाने के लिए तैयार हो ना जगत। ये दिए रात भर जलते रहे, बूझने न पाए। इन दियों की रोशनी ही पति पत्नी की जिंदगी में उनका प्यार और उनका साथ हमेशा के लिए बरकरार रखेगी। तुम चाहे मुझसे कितनी भी नाराज हो परी, पर मैं तुमसे ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। मैं चाहे तुमसे कितनी भी दूर चली जाऊं राजवीर, पर मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ रहूंगी। ठंडी हवा के झोंके हों या कोई तूफान, मैं ऐसे ही हमारे प्यार के दिए जलाती रहूंगी तुम्हारे साथ। ये दिया तूने, मैं जलाऊंगी अपने प्यारे राजवीर के साथ। जा, तेरे जाने और मेरे आने का वक्त हो गया। किया है तूने? ए रुक, वो दिया नहीं जलाना। वो मेरे और राजवीर के प्यार का दिया है, उसे मैं जलाऊंगी, तू नहीं। अरे जी, तू ये दिया नहीं। कितनी खूबसूरत है ना ये रस्म, ये कसम है, ब्यूटीफुल। परिधि मैं आया हूं तो तुम्हें कुछ देकर ही जाऊंगा। तुम्हारे पापा की जिंदगी देखना, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। उनके पैरों में सेंसेशन है। हाँ परिधि, वो महसूस कर सकते हैं। अरहान, थैंक यू। अरहान, तुम नहीं जानते आज तुमने मुझे कितना बड़ा तोहफा दिया। थैंक यू।
मेरी शक्तियों को कोई नहीं हरा सकता, मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं पिशाच नहीं हूँ, सौदामिनी हूँ मैं। मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। पिशाचनी हूँ मैं, पिशाचनी। किसी के भी शरीर का इस्तेमाल कर सकती हूँ, किसी के भी शरीर में आ जा सकती हूँ, लेकिन आज मैं कुछ भी नहीं कर पाई। ना मैं जगत को मार पाई, ना मैं राजवीर को खत्म कर पाई, ना मैं परिधि को कुछ कर पाई। तो मेरी काली शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी। उनके पास तो कोई सिंदूरी रंग का लाल धागा भी नहीं था, कोई कवच भी नहीं था। फिर मैं क्यों कुछ नहीं कर पाई, क्यों? मैं तो एक आमंत्रित आत्मा हूँ माँ। परिधि का शरीर मेरा घर है, फिर मैं अपने घर में कैसे नहीं जा पाई? ये वक्त मेरा था, मेरे राजवीर के साथ का वक्त। इस परिधि ने मुझसे मेरा वक्त छीन लिया। आखिर क्या किया उस परिधि ने ऐसा जो हम दोनों को मात दे दी? ये सब कुछ उसके नरहीरा उस परिधि के जाल है। उन दोनों ने हमारे लिए कोई गहरा जाल बिछाया है। हाँ, कोई ऐसा कवच दिया है परिवार को, जिससे वो परिवार हमसे बचा हुआ है। अब कौन सा कवच है जो उन्हें बचा रहा है और हमें इस तरह नचा रहा है माँ? मैं नहीं जानती मोंजुनिका, मैं नहीं जानती। लेकिन तू फिक्र मत कर, कोई है, एक ऐसा इंसान जो हमारी मदद कर सकता है। कौन है वो? चल मेरे साथ, अभी पता चल जाएगा। बात करनी है तुझसे। आप यहाँ पर इस समय? नताशा अंदर है। जरूरी काम था इसीलिए आना पड़ा। आराम से बताइए। मेरी और मंजुलिका की शक्तियां काम नहीं कर रही। मैंने जगत को मारने की कोशिश की थी लेकिन नहीं मार पाई। मंजुलिका परिधि के शरीर में घुस नहीं पा रही है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। परिधि के पास जरूर कोई कवच है जिसकी वजह से वो परिवार को बचा रही है और हम किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तुझे पता लगाना है कि परिधि के पास जो कवच है वो क्या है, कौन है वो। आप चिंता मत करिए, परिधि मुझ पर विश्वास करती है, मैं उसे पूछूंगा तो वो मुझे जरूर बताएगी। मैं अभी जाता हूँ, पता करके आता हूँ। परिधि, मुझे बात करनी है तुमसे। क्या हुआ? एक्चुअली डर लग रहा है मुझे, पापा की चिंता हो रही है। क्या हुआ भैया? आई मीन वो इंसान इस घर में ही है जो कि पापा को मारना चाहता है। मुझे लगता है कि पापा हॉस्पिटल में ज्यादा सेफ थे। नहीं शक्ति भैया, वो इंसान हॉस्पिटल भी आया था पापा पर हमला करने के लिए। कौन था वो? चेहरा देखा था उसका? नहीं भैया, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसने पापा को मारने की कोशिश की। वो तो ऐन वक्त पे मैं वहां पहुंच गई थी, इसलिए पापा की जान बच गई। मैं इसलिए पापा को घर लेकर आई हूँ, हॉस्पिटल उनके लिए सेफ नहीं है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि वो घर में सेफ है? परिधि घर पे उन पे वापस से हमला हो सकता है और जरूरी नहीं कि हर बार उसका पार खाली जाए। कौन हर बार बचाएगा पापा को? शक्ति भैया, आपने सुना होगा मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। हम पल पल नजर रखेंगे पापा पर। बस मुझे अब उस इंसान तक पहुंचना है जो इस घर तक पहुंच गया। क्या कहा उसने? कुछ नहीं। किसी से कुछ भी नहीं होगा, हम जो कुछ भी करना है मुझे ही करना होगा। आज इस घर में किसी ना किसी की मौत होगी, जरूर मौत होगी।
सरोज भाई साहब आप? अरे भाई साहब कितनी सेवा करती हैं हम सबकी। मैं भूल गई लेकिन आपने भूली ये हल्दी वाला दूध लाइए। अरे भाई साहब रात बहुत होगी आप जाइए, आप भी जाके सो जाइए। ना मैं सोऊंगी ना तुझे सोने दूंगी सेठानी, तेरे रातों के नींद हराम करने ही तो आई हूँ मैं। हुकुम साहब को ठीक देखकर मैंने बहुत खुशी हो रही है। अरे ये के? वो हीरा जी ने धागा बांधा था हुकुम साहब को, वो कटे गया। अरे हाँ सरोज भाई साहब, इनका धागा कहाँ गया? इसीलिए इन पे इतनी मुसीबतें आ रही है, इन्हें तो कवच की सबसे ज्यादा जरूरत है। अरे सरोज भाई साहब ये आप क्या कर रहे हो? अपना धागा हुकुम साहब को बांध रहे हो, इनकी जान को बहुत खतरा है। नहीं नहीं सरोज भाई साहब, मैं इन्हें अपना धागा पहना दूंगी, आप रहने दीजिए। कुछ भी हो जाए मैं अपने परिवार के साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। तो जा, बन जा अपने परिवार का कवच, जाना। क्या किया है तूने? कौन है वहां? कौन है? क्या किया है मैंने? अरे बताने में मजा नहीं है परिधि, तो खुद ही देख लेना चलकर। ये देख। माँ तू माँ का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। माँ ने हनुमान जी का अभिमंत्रित धागा पहना है। गलत फहमी का शिकार, धागा? धागा तो गया। गया? गया। कहाँ गया? क्या किया तूने? पिशाचनिया क्या कर सकती है ये जानना चाहती है? तो देख सामने।